नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बनी हुई जो गोल्फ बॉल आप देख रहे हैं, आज हम ये बनाएंगे ऑटोकैड 2021 3D में। इससे पहले आपने मेरे साथ ये गोल्फ बॉल एनएक्स पर बनाई है, ऑटोडेस्क इन्वेंटर पर भी बनाया है हमने इसे, क्रियो पैरामेट्रिक केटिया V5 पर भी इसे बनाया, तो आज हम इसे बनाएंगे ऑटोकैड 3D में। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इससे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं इस फाइल को यहाँ क्लोज़ कर देता हूँ। फाइल को क्लोज करने के बाद दोस्तों, ये वो स्क्रीन है जो हमारे सामने आता है जब हम ऑटो कैड के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ टेम्पलेट्स पर क्लिक किया, देखिए ड्रॉप डाउन में यहाँ ए कैड 3D.dwt पर मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली जो है वो 3D का फाइल ओपन होगी। इसमें ये देखिए, यहाँ पे XYZ तीनों नज़र आ रहे हैं जो जनरली जब हम ऑटो कैड ओपन करते हैं तो नहीं दिखाई देता। ये डायरेक्ट 3D की फाइल ओपन करने का तरीका है। यहाँ पर ऊपर जो आपको कमांड्स नज़र आ रही हैं, ये भी हम इसके थ्रू लाए हैं। देखिए यहाँ पर ये सेटिंग जैसा आइकन है, इसको हम ऑटो कैड में कहते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग। यहाँ से वर्क स्पेस को हम स्विच कर सकते हैं। जैसे ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, जब हम जनरली ऑटो कैड ओपन करते हैं तो उस वक्त जो है वो 2D में जो डिफ़ॉल्ट ओपनिंग होती है वो 2D की ही होती है। उसमें ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन की ये कमांड्स जो हैं उसमें हमें नज़र आती हैं, जैसा कि अभी आपको दिखाई देंगी। इसमें देखिए ये दिख रही हैं। तो इनमें जो है हमें 3D बनाने के लिए हमें फिर 3D की कमांड्स चाहिए होती है, तो इससे हम यहाँ पर आकर चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने 3D की फाइल ओपन की है, अब देखिए यहाँ से वर्क स्पेस स्विचिंग से मैं फिर 3D मॉडलिंग पर क्लिक करूँगा, ये कमांड्स हमें चेंज होकर दिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये व्यू है, ये एक्सट्रूड भी आ गया यहाँ पर, और ये सॉलिड एडिटिंग की कमांड्स हैं। 2D तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन 3D की कमांड्स भी हमें दिखाई देती हैं। तो चलिए अब हम ये कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ से अनसेव व्यू पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ टॉप। देखिए ये जो व्यू क्यूब है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, पैरेलल लेंगे। पैरेलल लिए बिना स्केच नहीं बनाएंगे, ये ध्यान में रखना हमेशा हमेशा। अब यहाँ से सर्कल बनाना है तो सेंटर रेडियस कमांड पर क्लिक किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर मैसेज आता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, मैंने कहीं पे क्लिक किया, अब सेंटर पॉइंट दे दिया मैंने। अब इसकी रेडियस मुझे देनी है कितनी, 21.35, ये मैंने इसकी रेडियस दे दी। और उसके बाद स्क्रीन में फिट करने के लिए यहाँ टॉप पर क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ से ये लाइन ली, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने ये लाइन के थ्रू। अब ट्रिम कर देंगे नीचे वाला पार्ट, TR टाइप करके मैंने एंटर को दो बार प्रेस किया और उसके बाद ये देखिए इस पार्ट को ट्रिम कर दिया। इसके बाद अब हमें इसे रीजन करना, अभी देखिए ये अलग अलग पार्ट्स हैं, अब हम इसे रीजन करेंगे। REG टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया विंडो बना के और एंटर प्रेस किया, तो देखिए इस तरह से हमें ये दिखने लगा। अब मैं यहाँ से जाऊँगा कहाँ, इसे रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करने के लिए REV टाइप करके एंटर प्रेस किया, मैसेज आता सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। अब मैसेज आता स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट और डिफाइन एक्सिस बाई पॉइंट्स, मतलब मैंने ये पॉइंट लिया पहला, एक ये एंड पॉइंट और एक ये एंड पॉइंट, ये देखिए अब ये स्फीयर की तरह दिखाई देने लगा। अब मैसेज आता है स्पेसिफाई एंगल ऑफ रेवोल्यूशन, तो मैं सीधे एंटर दबा देता हूँ क्योंकि देखिए डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर 360 डिग्री पड़ा हुआ है। ये हमारा स्फीयर तैयार हो गया। अब यहाँ से मैंने होम पर क्लिक किया और अननेम्ड और WCS ये चेंज किया इसमें। अब देखिए यहाँ से मुझे अगला काम क्या करना है कि फ्रंट लेना है। फ्रंट पर क्लिक किया, ये देखिए फ्रंट व्यू आ गया। अब ये व्यू के ऊपर राइट क्लिक करके पैरेलल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर से सेंटर रेडियस, यहाँ मैंने कहीं पर भी सेंटर के लिए क्लिक किया, रेडियस दे दी मैंने वही 21.35। इसके बाद यहाँ से लाइन कमांड की मदद से ये सेंटर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे कितना, मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से ऊपर जाएंगे हम 23.74, एंटर प्रेस करेंगे, दोबारा एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकल आएंगे। फिर एक सर्कल और बनेगा, वो बनेगा इस एंड पॉइंट पर, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू हमें देनी होगी कितनी, 3.19। अब थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं, अब ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग के लिए मैंने TR टाइप करके एंटर को दो बार प्रेस किया और देखिए अब
कंट्रोल जेड करता हूँ अभी मैं। पूरा ट्रिम करने से पहले हमें एक जगह पे फिलेट भी देनी है। तो ये देखिए, F टाइप करके एंटर प्रेस किया, R टाइप करके एंटर प्रेस किया, इसके बाद रेडियस की वैल्यू दे दी 1 और एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ ये सर्कल और ये रेड, ये जो आर्क है इसके बीच में ये देखिए एक रेडियस यहाँ पे कॉर्नर जो था वो राउंड हो गया। अब टी आर फिर से टाइप किया और एंटर को 2 बार प्रेस किया। अब जो बाकी बचा पोर्शन है उसे ट्रिम कर लेंगे हम, ये लाइन भी ट्रिम हो जाएगी। अब जो ये प्रोफाइल हमारी बनी इसे हम रीजन में कन्वर्ट करेंगे। आर ई जी टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, मैसेज आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, विंडो बना के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे तो ये रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे भी हमें रिवॉल्व करना है तो आर ई वी टाइप करके एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व का मैसेज आया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। इसके बाद देखिए एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर और एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर और एंटर दबा देंगे तो ये देखिए ये एक तश्तरी जैसे एक डिस्क है इस तरह से एक ये क्रिएट हो जाएगा यूं करके, ये देखिए। अच्छा अब हमें करना क्या है वो ध्यान से देखें, इसको इसकी जगह पर रखना है। तो हमने इस स्फीयर का जो डायमीटर है और जिस रेडियस को लेकर हमने रेफरेंस लेकर इसे बनाया वो सेम है, तो हम यहाँ से मूव कराएंगे इसको। एम टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके नज़दीक जाएंगे कर्सर को लेकर, देखिए सेंटर शो होगा, सेंटर पर क्लिक किया। अब ये सेंटर देखिए यहाँ पर स्फीयर का मिल गया, इसी स्फीयर पर हम यहाँ पर सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इसमें मर्ज हो जाती हुई हमें नज़र आती है। अब चूंकि ये रियलिस्टिक विजुअल स्टेट में है तो हमें ऐसा दिख रहा है, यहाँ से हम इसका विजुअल स्टेट चेंज करके 2D वायर फ्रेम कर देंगे तो देखिए ये इसके ऊपर बैठा हुआ ऑब्जेक्ट हमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें देखिए आगे का काम क्या करना है कि यहाँ से आगे हम 3D एरे यूज़ करेंगे। 3D एरे कैसे यूज़ करेंगे देखते जाइए आप मेरे साथ। हम टाइप करेंगे 3DAR, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है इसे सेलेक्ट किया, फिर से एंटर प्रेस किया। अब यहाँ से पोलर पर क्लिक किया, एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स हमने ले लिए 2, स्पेसिफाई द एंगल टू फिल ले लिया हमने, इसको फिर से करते हैं एस्केप दबाकर, मैं कमांड से बाहर निकल रहा हूँ फिर से, 3DAR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इसके बाद पोलर इस बार ले लिया, एंटर नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे हमने ले लिया, हमने ले लिए यहाँ पर कितने 7 और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे अगला मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई दी एंगल टू फिल, हमने ले लिया यहाँ पे 360 की जगह ले लिया 180 मैं फिर से एस्केप दबा रहा हूँ, एक बार हम 3D अरे फिर से करते हैं। देखिए 3DAR एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, पोलर, एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे, इस बार हमने ले लिया इसे कितना 12 और स्पेसिफाई द एंगल टू फिल ले लिया हमने कितना 180 और रोटेट एरेड ऑब्जेक्ट यस यानी एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। अब यहाँ देखना है आपको ध्यान से, देखिए एक क्लिक इधर और एक क्लिक इस तरफ, ऑर्थो मस्ट बी ऑन मतलब ये ऑन होना चाहिए आपका, इस डायरेक्शन में यहाँ आके क्लिक कर देंगे तो देखिए ये 12 ऑब्जेक्ट्स आपके क्रिएट हो जाएंगे 180 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस, मतलब 15-15 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पर 180 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 12 ऑब्जेक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम फिर 3D एरे यूज़ कर रहे हैं, देखिए 3DAR सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, पोलर, एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे, इसके लिए हम करेंगे 6, स्पेसिफाई एंगल टू फिल 360 है तो हम एंटर दबा देंगे, रोटेट एरेड ऑब्जेक्ट्स यस, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, अब देखिए ये सेंटर पॉइंट है, एक क्लिक इधर और एक क्लिक ऊपर की तरफ आकर कहीं पर भी कर दीजिए, ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर 6 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब यही प्रोसीजर फॉलो करना है हमें यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा, तो देखिए केवल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज होगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 12, थ्री
DAR, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हो जाएंगे 18। जहाँ जहाँ देखिए, जैसे यस है, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट क्लिक, रिपीट 3D अरे, एंटर, पोलर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हो जाएंगे 18 के बाद 21, 360 है तो एंटर, फिर एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, राइट क्लिक, 3D एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पोलर, नंबर ऑफ आइटम्स 21 के बाद 24, स्पेसिफाई एंगल टू फिल 360, ओके, एंटर कर दिया मैंने, रोटेट एरे ऑब्जेक्ट्स, एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ये रहा सेंटर पॉइंट, और फिर ऊपर ले जाकर क्लिक कर दिया, ये देखिए आ गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे आ गया, मैं क्या करना है, नीचे भी इसी तरीके से लेकर जाना है, थोड़ा सा इसे टिल्ट कर देते हैं इस तरफ कि जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स नज़र आते रहे और सेंटर भी दिखाई देता रहे। तो रिपीट 3D अरे, पोलर, एंटर नंबर ऑफ आइटम्स इन दी अरे, तो यहाँ पर भी हम ये 24 ही लेकर जाएंगे क्योंकि इससे पहले भी हमने 24 किया था। 360, एंटर, फिर से देखिए, राइट क्लिक, रिपीट 3D अरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पोलर, एंटर नंबर ऑफ आइटम्स 24, एंगल टू फिल 360, एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, ये सेंटर और नीचे की तरफ, ये देखिए आ गए, राइट क्लिक, रिपीट 3D एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 24 से पहले था 21, 360 है, एंटर, एंटर, यहाँ पे अब सेंटर पॉइंट है, ये ऐसे नजर आएगा और नीचे ले जाकर क्लिक कर देंगे हम। देखिए यहाँ पर ये गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, जैसे कि यहाँ पर जो है गलत जगह पर क्लिक हुआ गया तो ये एरे जो है ये गड़बड़ा गया, कंट्रोल जेड किया मैंने, एक बार और, तो यहाँ तक तो आधा तो हमारा सही बना था, यहाँ से मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसे, थ्री डी ए आर, पोलर, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर हो जाएगा 24 का बन गया था तो ये 21, स्पेसिफाई एंगल टू फिल, बस ये सेंटर ही हमें पकड़ने में जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से होम पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये रहा सेंटर, और नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, अब देखिए ये बिल्कुल सही जगह एरे हुआ है, तो इसी बात का बस ध्यान रखना है आपको। रिपीट 3D एरे, मेरे ख्याल से मेथड अब आपको समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ आइटम्स 21 के पहले 18 था तो 18, और एंगल टू फिल 360 रहेगा, रोटेट एरेड ऑब्जेक्ट्स यस, अब फिर जो है हमें सेंटर पॉइंट इसका, बस ये सेंटर पॉइंट का ही है यहाँ पर खेल सारा, यही लेना है हमें।
सेंटर नीचे, ये देखिए अभी सही आ गया। इसी को बस एरे करते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी है, रिपीट 3D एरे। पोलर आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे हो जाएंगे कितने, 12। और यस हमने यही ऊपर वाला ले लिया और ऐसे आ गए तो भी ठीक आ गया। अब जो है ये आखिरी वाला जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से मैं एक बार होम पर क्लिक करता हूँ। अब नीचे की तरफ हमें देखना है, ये देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है इसे हमें एरे करना है। रिपीट 3D एरे, पोलर नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे हो जाएंगे 6, 360, ओके, सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। फिर यहाँ से एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले, एक बार चेक कर लेते हैं। सही, हाँ बिल्कुल सही आ गया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है हमें, इसको हम यहाँ से ये जो आप स्फीयर देख रहे हैं ना, ये जैसे स्फीयर देखिए यहाँ सेलेक्ट हुआ, इस पर क्लिक किया, अब राइट क्लिक करेंगे और ये आइसोलेट से हाइड ऑब्जेक्ट्स में से लेकर जाएंगे, हाइड ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। जो स्फीयर बनाया था देखिए वो हाइड हो गया है। अब ये जो जितने भी ये डिस्क इस पे हमने लगाई है कटआउट्स बनाने के लिए, तो इन सबको सेलेक्ट कर, ये देखिए यहाँ पे केवल ये नज़र आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन सभी को हमने यहाँ से विंडो बनाई, सभी को सेलेक्ट किया और टाइप करेंगे यहाँ पे ग्रुप, GR, ये देखिए OUP ग्रुप, एंटर प्रेस किया, देखिए ये जो है एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। अब हम राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट पर जाएंगे फिर से और एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन पर क्लिक करेंगे, देखिए अब स्फीयर जो है फिर से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए वायर फ्रेम में ही करना है सब कुछ, ये ध्यान रखिएगा, ये है सब्ट्रैक्ट कमांड। मैं टाइप करता हूँ SUBT, ये देखिए सब्ट्रैक्ट आ गया, एंटर प्रेस किया मैंने। अब हम पहले स्फीयर को सेलेक्ट करेंगे, देखिए स्फीयर है ये, इस पर क्लिक किया, एंटर दबाया और अब ये जो ग्रुप है इसका, ये सभी एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे, देखिए इस पर क्लिक किया और एंटर दबाया, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होने में देखिए समय ले रहा है लेकिन हो गया। अब हम इसे अगर देखते हैं इस पर, देखिए 2D वायर फ्रेम्स की जगह हम ये रियलिस्टिक में लेते हैं तो हमें देखिए ये शेप नज़र आएगी। दोस्तों थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस ये है कि कमांड का एग्जीक्यूशन आप सही तरीके से कीजिए। तो दोस्तों ये था गोल्फ बॉल इन ऑटोकैड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।